तस्मात् कारण भावेन रक्षमाम परमेश्वर। धर्म की धर्म का प्राणियों में का गो माता की जय धर्म सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय धर्म सम्राट ज्योतिष पीठाधीश्वर महाराज की धर्म सम्राट द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय परमहंसी गंगा क्षेत्र की जय हर हर महा। आनंद जी बशाख श्री इंद्रधाम जी चारण श्री केदारनाथ जी बंसल श्री अमित जी भट्ट एवं डॉक्टर लता जी भट्ट इन लोगों से अनुरोध है ये लोग महाराज मंच पर पधार कर महाराज श्री के चरणों में माल्य प्रदान कर आशीर्वाद करें आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रेम से बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। अब हम लोग महाराज श्री के मुखारविंद से मधुराति मधुर रास रसिक भगवान श्री कृष्ण की कथा श्रवण करेंगे। देवियों प्रसंग चल रहा था
भगवान श्री कृष्ण ने काली नाग को नाश कर उसके फणों पर नृत्य किया और जब वह मरणासन्न हो गया तो भगवान की शरण में आया। भगवान ने उसको काली हृदय छोड़कर रणकर द्वीप में जाने का आदेश देकर वहां से बाहर कर दिया। ये कथा है। वस्तुतः यमुना को प्रेमद्रव माना जाता है, गंगा ब्रह्मद्रव है और यमुना प्रेमद्रव द्रव है। प्रेम ही द्रवीभूत होकर जल बनकर प्रवाहित हो रहा है, उसमें कामरूपी काली नाग उसको दूषित कर देता है। जब तक अपने हृदय में अपने सुख की आकांक्षा है तब तक प्रेम परिपूर्ण नहीं होता। प्रेम और काम में अंतर यही है, काम अपने सुख में सुखी होने को कहते हैं, स्वसुख सुखित्वम, अपने सुख के लिए अपने सुख में सुखी होना। कोई अपना हो पराया हो यदि वो हमारे सुख में सहयोग नहीं करता है तो हमारा उससे कोई प्रेम नहीं। कहावत है, 80 गांव का चौधरी और 60 गांव का राव, और अपने काम ना आया तो भाड़ में जाओ। ये कहावत है, अपना स्कम मतलब जिससे सिद्ध हो बस वही प्रेम। तो ये प्रेम नहीं है, ये काम है, स्वार्थ परायणता है। प्रेम है तत्सुख सुखितम, भगवान के सुख में सुख रहे, अपने प्रियतम प्राणधन परमेश्वर के चरणों में हमारा प्रेम इसलिए है, उसका स्वरूप यही है कि वे सुखी रहें, हमें अपने सुख की कोई आकांक्षा नहीं, उनकी प्रसन्नता ही हमारा सुख है। ये जो भावना है तत्सुख सुखित्वम की, ये गोपियों में देखा जाता है। गोपियों के संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, निराम